हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल SPT999। ये पाइथन लैंग्वेज का लेक्चर 2 है जिसमें हम लोग ये कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, कैरेक्टर सेट्स। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स के कलेक्शन से वर्ड्स बनते हैं, फिर सेंटेंसेस, फिर पैराग्राफ और फिर बुक बनती है। सेम थिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है और वही चीज़ पाइथन लैंग्वेज के साथ भी है, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के नेचर और बिहेवियर इसके पास भी हैं। इनके पास भी अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिन्हें हम कैरेक्टर सेट कहते हैं या सेट ऑफ कैरेक्टर्स। उन कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से, कलेक्शन से यहाँ पे जो वर्ड्स बनते हैं इनको टोकेंस कहते हैं। इन टोकन के कलेक्शन से जो एक मीनिंगफुल लाइन कंप्लीट होती है उसको इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, और यही वो इंस्ट्रक्शन एक लाइन है जो कंप्यूटर को किसी एक स्टेप को कंप्लीट करने के लिए कहती है। और ऐसे बहुत से इंस्ट्रक्शंस मिल करके एक प्रोग्राम बनाते हैं, और प्रोग्राम का कलेक्शन ही एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाता है। तो पाइथन के कैरेक्टर सेट्स की बात करें तो जितने भी डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स या स्पेशल सिंबल्स आप कीबोर्ड में देखते हैं वो सारे यहाँ पाइथन में वैलिड हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स जो आप कीबोर्ड में नहीं देखते हैं, स्काई कोडिंग सिस्टम में आते हैं या फिर यूनिकोड में आते हैं, वो सारे यहाँ पाइथन में अलाउड हैं। पाइथन यूनिकोड को भी सपोर्ट करता है। अगर आपको स्काई कोडिंग और यूनिकोडिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप इसकी पूरी नॉलेज ले सकते हैं। इन कैरेक्टर के कलेक्शन से या कॉम्बिनेशन से जो वर्ड्स बनते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उनको टोकन कहा जाता है या फिर लेक्सिकल यूनिट कहते हैं। तो ये आपके स्मॉलेस्ट यूनिट हैं प्रोग्राम के, जो पर्टिकुलर किसी एक स्मॉल टास्क के लिए बने होते हैं। ये कई सारे कैरेक्टर्स का कलेक्शन भी हो सकते हैं और सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखते हैं कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सब अलग अलग वर्ड्स कहलाते हैं। वर्ड के कलेक्शन से सेंटेंस बनते हैं और से बहुत सारे सेंटेंस के कलेक्शन से पैराग्राफ बनता है। तो वैसे ही यहाँ पे टोकन के कलेक्शन से ही प्रोग्राम बनता है। टोकन प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट है, या फिर आप उसको वर्ड कह सकते हैं प्रोग्रामिंग का। इसके अलावा जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स की अपनी कैटेगरी होती है, किसी वर्ड को सब्जेक्ट कहते हैं, किसी को ऑब्जेक्ट, किसी को वर्ब, किसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, किसी को नाउन या प्रोनाउन कहते हैं, ऐसे करके, वैसे ही यहाँ पे टोकन्स को भी कैटेगराइज किया जाता है उनके नेचर और बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो कुछ 5 तरह की कैटेगरी है पाइथन में टोकन्स की, जिनमें सबसे पहले आता है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या है फ्रेंड्स? रिजर्व वर्ड्स ऑफ द पाइथन विद अ प्री डिफाइंड मीनिंग। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में वो प्री डिफाइंड या रिजर्व वर्ड्स जिनका अपना एक मीनिंग है उस लैंग्वेज के लिए, वो उस लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड या की वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में इतने सारे वर्ड्स होते हैं, वो सब उसके की वर्ड हैं, हर एक वर्ड का अपना कोई मीनिंग है। तो वैसे यहाँ पे पाइथन में 33 की वर्ड्स हैं, या इनको आप सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं, जो प्री डिफाइन है और जैसे हैं वैसे ही यूज़ होंगे। यहाँ पे जैसे फॉल्स है, नन है या फिर ट्रू है, इनका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, और बाकी सभी कीवर्ड्स के सारे कैरेक्टर स्मॉल है। तो ये जैसे हैं वैसे ही यूज़ होंगे और इनका अपना मीनिंग है पाइथन लैंग्वेज में। हो सकता है पाइथन के बाहर इन वर्ड्स का कोई मीनिंग ना हो, या फिर हो तो कुछ और हो, लेकिन पाइथन में इनका कुछ ना कुछ मीनिंग डिफाइन करके रखा गया है, तो ये सभी पाइथन लैंग्वेज के कीवर्ड्स कहलाते हैं। अब इन सभी वर्ड्स में से किसका क्या यूज़ है और कहाँ कहाँ पे इनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते जाएंगे और इनको यूज़ करते जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टोकन्स की अगली कैटेगरी के बारे में समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।